के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में होगा, इस पर मंथन चल रहा है। किसके सर सजेगा कांग्रेस अध्यक्ष का ताज, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पर फैसला होना है। सोनिया गांधी ने इस बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है, अपनी उम्र का उन्होंने हवाला दिया है। तो क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का। विपिन, कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा, इसको लेकर काफी मंथन चल रही है, और किस तरह की संभावना झारखंड कांग्रेस के नेता देख रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल CWC की बैठक जारी है। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी ने कर दी है। इस बीच इस बैठक में ही राहुल गांधी ने उन तमाम नेताओं पर हमला बोला है जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी का ये कहना है कि ये वो दौर नहीं था जब चिट्ठी लिखने की जरूरत थी इस तरह के मसले पर। और जिस तरह से 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी जो सोनिया गांधी के नाम पर लिखी गई थी, जिसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता थे जिन्होंने कई मांगें रखी थी सोनिया गांधी के समक्ष, और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक फेरबदल की डिमांड की गई थी। इस बैठक में सीधे तौर पर जो आरोप लगे, उसके बाद कपिल सिब्बल का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि अगर मैंने कहीं भी बीते 30 सालों में अगर भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। गुलाम नबी आजाद ने भी यही बातें कही है। वहीं AK एंटनी ने राहुल गांधी को रिकंसिडर करने की बात इस CWC की बैठक में उठाई है। जहां तक बात अगर झारखंड की जाए तो झारखंड की तरफ से झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक आग्रह पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है सोनिया गांधी से कि वो अंतरिम के तौर पर अपना इस्तीफा ना दे बल्कि पूर्णकालिक अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी को चलाए। वहीं अगर बात की जाए तो पार्टी का एक जो अन्य धड़ा, जिस तरह से झारखंड कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि विधायक भी है जामताड़ा से, इसके अलावा राजेश ठाकुर और मानस सिन्हा, इन तीनों ने राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने की डिमांड केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी है। इसके अलावा कई विधायक, कई पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने भी राहुल गांधी के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। तो नया अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। और जिस तरह से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी इस बातों का जिक्र किया था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो हर चीज़ पर, हर पहलू पर चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को भी लेकर इस बैठक में चल रही है कि जब तक कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तो क्या ऐसी व्यवस्था तक किसी अन्य व्यक्ति को अंतरिम अध्यक्ष का दायित्व दिया जा सके, इस पर भी मंथन चल रहा है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिक्वेस्ट किया है सोनिया गांधी से कि वो अपना पद ना छोड़े, कंटिन्यू रहे। तो तमाम उठापटक का दौर जो है वो फिलहाल जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली में देखने को मिल रही है, और संभावना जताई जा रही है कि आज कुछ फलाफल निकल सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता कौन होगा। लेकिन जिस मकसद से ये बैठक आज CWC की बुलाई गई थी, उसके अलग जिस तरह से बैठक में पार्टी के जो कई पुराने बड़े नेता हैं उनके खिलाफ राहुल गांधी की नाराजगी आई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त अभी लग सकता है कोई भी बड़ा निर्णय लेने में कांग्रेस को। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान रखना है, और जो नाराजगी राहुल गांधी ने जताई है वो क्या ये संदेश नहीं देता पार्टी नेताओं को कि आप कोई सुझाव सलाह कुछ भी नहीं दे सकते पार्टी नेतृत्व को लेकर? ये देखिए, ये राहुल गांधी की जो नाराजगी है उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई थी उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था, ये कहा जा गया इस बैठक में राहुल गांधी की तरफ से कि जब राजस्थान में सरकार बचाने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई थी, जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी, उस वक्त इस तरह की चिट्ठी लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। और खास करके ये नाराजगी इसलिए भी देखने को मिल रही है दीपक, क्योंकि आप याद करिए जब लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद किसी भी बड़े चेहरे ने फ्रंट फुट पर आकर ये नहीं कहा कि वो भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो कई तरह की बातें खुलकर सामने अभी आई है, वर्किंग कमेटी में मंथन चल रहा है। और जहां तक बात अगर है तो पिछली बार जब अगस्त के महीने में कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही थी तो सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को संभालने की जवाबदेही अपने ऊपर ली थी, लेकिन बीते 1 वर्षों पर अगर आप देखें तो 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, लेकिन कहीं सोनिया गांधी का
कोई रैली नहीं हुआ था, राहुल गांधी ने ही पर्दे के पीछे से पार्टी को संभाल रखा था, झारखंड में भी चुनाव प्रचार में वही आए थे, इसलिए अभी के जो हालात है ऐसे में दबाव राहुल गांधी के ऊपर भी बनाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि अगर राहुल अध्यक्ष बनने के लिए नहीं मानते हैं तो पूरी वर्किंग कमेटी जो है वो इस्तीफा दे सकती है और ऐसे में दबाव राहुल गांधी के ऊपर बन सकता है कि वो कोई निर्णय ले। इस बीच इस मंथन का दौर दिल्ली में जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में चल रहा है उससे कई चीज़ें छनकर सामने आ रही है और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि किसी नतीजे तक कांग्रेस पहुंच पाएगी, क्योंकि पिछला जो अनुभव था तो पिछले वर्ष 2019 में जब राहुल का इस्तीफा हुआ था उसके बाद से लंबे समय तक कांग्रेस बिना अध्यक्ष के रही थी, तो इस बार वैसे हालात कांग्रेस के जो जानकार है, जो राजनीतिक जो सलाहकार है वो नहीं चाहते हैं, इसलिए तमाम चीज़ों को लेकर CWC बुलाई गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज किसी नतीजे तक कांग्रेस पहुंच पाएगी। विपिन, प्रियंका गांधी से भी काफी लोगों को उम्मीद है, क्या उनके नाम पर कोई चर्चा? देखिए, अध्यक्ष के तौर पर तो एक जो धड़ा है अभी कांग्रेस का वो चाहता है कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करें, वही एक बड़े धड़े ने राहुल गांधी के नाम को सामने लाया है और प्रियंका के नाम पर अब तक बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं हुई, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष का पद संभालने के लिए मनाने का दौर चालू है। इस बीच दो दिन पहले प्रियंका का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ये वक्त है कि किसी गैर गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, सोनिया गांधी ने भी यही पेशकश की है कि पार्टी के लोग अपना नया अध्यक्ष चुन ले, तो ऐसी परिस्थिति में गैर गांधी में अगर जाते हैं तो तीन नामों की चर्चा यहां पर जरूर देखने को मिल रही है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि 15वीं लोकसभा में विपक्ष में कांग्रेस के नेता भी हुआ करते थे, कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे वो, तो इस तरह से अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। जो संगठन महासचिव अभी है कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, उन पर भी कुछ लोग दाव आजमाना चाहते हैं, तो तमाम चीज़ों पर चर्चा है। अंतिम निर्णय क्या होता है कांग्रेस का, ये जब तक निर्णय पार्टी नहीं ले लेती है ये समझ से परे होता है। फिलहाल मंथन जारी है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ बेहतरी का निर्णय पार्टी की इस बैठक में आज शायद कांग्रेस ले पाए। जी धन्यवाद विपिन इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है और चुनना है पार्टी को अपना नया अध्यक्ष।